शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमृतसर से बड़ी खबर, बॉर्डर पर बीएसएफ का एक्शन देखने को मिला है। पाकिस्तान के ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। ड्रोन से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। अमृतसर के भैनी राजपूताना गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमृतसर से बता रहे, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को एक बार फिर से ध्वस्त किया गया है। बीएसएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ड्रोन से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। अमृतसर के भैनी राजपूताना गांव की पूरी घटना ये बताई जा रही है। और आपको ये बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है जब पंजाब के बॉर्डर पर पाकिस्तान के ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। अब से पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब पाकिस्तानी ड्रोन को ध्वस्त किया गया है, और कई बार पहले भी मादक पदार्थ मिले हैं, हेरोइन भी मिली है, कई बार हथियार भी मिले हैं, और एक बार तो चीनी हथियार मिले थे, चीन के बने हुए हथियार ड्रोन के जरिए मिले थे। देखिए तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही ड्रोन है जिसको ध्वस्त किया गया है। बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन को ध्वस्त किया है। कई मादक पदार्थ इस ड्रोन से मिले हैं, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से कई मादक पदार्थ जो कि ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको उसी समय की दिखा रहे हैं जो कि बीएसएफ जवानों को एक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान के ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। ड्रोन से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। भैनी राजपूताना गांव की पूरी घटना ये बताई जा रही है। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब पाकिस्तान से ड्रोन भेजा गया है और पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया, इस तरीके से ध्वस्त किया है। और ऐसे ही सप्लाई किया करता है पाकिस्तान मादक पदार्थों की, हेरोइन की, ड्रग्स की, हथियारों की तस्करी इसी तरीके से ड्रोन के जरिए करता है। एक बार फिर से ये देखने को मिला है जब पाकिस्तानी ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। ये पाकिस्तानी ड्रोन है जो कि इस समय जमीन पर गिरा हुआ है, ध्वस्त कर दिया गया है इसको बीएसएफ के जवानों की तरफ से। इसी के जरिए मादक पदार्थ भेजे गए, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन को ध्वस्त किया गया। बीएसएफ जवानों की बड़ी कामयाबी, ड्रोन को ध्वस्त किया गया है, पाकिस्तानी ड्रोन को। एक और पाकिस्तान की साजिश, एक तरफ तो भारत में G20 का सम्मेलन चल रहा है, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस समय। जम्मू कश्मीर में लगातार 24 मई तक यानी ये सम्मेलन चलने वाला है, लेकिन उसी बीच में ये देखिए पाकिस्तानी की साजिश है, आप देख सकते हैं। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी ड्रोन को ध्वस्त किया गया है, अब से पहले भी ऐसा कई बार होता रहा है। ये मादक पदार्थों की तस्करी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है जो कि भारत में भेजे जाते हैं, क्या पता चल पा रहा है इसके बारे में? जी लगातार वहां पर जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकी संगठन है वो ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ के जवानों की तरफ से जो ये नापाक हरकतें हैं उन्हें नाकाम किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने बीएसएफ के जवानों की तरफ से ड्रोन को मार गिराया है, और बीएसएफ की तरफ से जो जानकारी भी साझा की गई है उसके मुताबिक बीती रात 9 बजे के करीब बीएसएफ के जवान जब गश्त पे थे उस दौरान उन्हें ड्रोन की जैसी आवाज सुनाई दी और उन्होंने फायरिंग की, तो सर्च ऑपरेशन में एक ड्रोन उन्हें बरामद हुआ है जिसमें 2 पैकेट ड्रग्स के भी बरामद हुए हैं, जिसकी जो 2 किलो के करीब बताई जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की अगर बात करें तो फ्लोडो में जो है ये बिकते हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार अपनी नापाक हरकत में पाकिस्तान इस पर जुटा हुआ है, और लगातार पिछले 5 दिनों में ये 4th ड्रोन है जो अमृतसर में दिखाई दिया है। ये पिछले 5 दिनों में 4th ड्रोन जैसा कि आप बता रही हैं ईशा, लेकिन अब से पहले भी हमने देखा है ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। एक बार तो चीन के बने हुए हथियार थे जो कि भेजे गए थे, उसके अलावा हेरोइन भी कई बार भेजी जाती है। लेकिन और दूसरी तरफ इस समय भारत में G20 का सम्मेलन चल रहा है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, इन सबसे जोड़कर इसको देखा जा सकता है प्रभावित करने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन है या देश विरोधी ताकतें हैं लगातार इसमें जुटे हुए हैं कि किस तरीके से पंजाब के जरिए पूरे देश का माहौल खराब किया जा सके। और यही वजह है कि अगर बॉर्डर की बात करें, क्योंकि पंजाब की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है, और यही वजह है कि ड्रोन के माध्यम से जो अवैध हथियार है
या ड्रग्स उसकी तस्करी करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार पहले सर्दियों की अगर बात करें तो धुंध के सहारे में ड्रोन के जरिए जो गतिविधि थी वो बढ़ चुकी थी अवैध हथियार और ड्रग्स की। और ऐसे में अब एक बार फिर से रात के अंधेरे में जो आतंकी संगठन है वो इस मकसद में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से अवैध हथियार या फिर ड्रग्स की तस्करी की जाए, क्योंकि ड्रग्स की अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों की इसकी कीमत है। और यही वजह है कि ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है और कहीं ना कहीं इस मकसद में जुटे भी हुए हैं आतंकी संगठन की किस तरीके से पंजाब के जरिए पूरे देश भर का माहौल खराब किया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो बीएसएफ के जवान हैं वो अपनी चौकसी बनाए हुए हैं और एक बार फिर से जो पाकिस्तान उसे नाकाम कर दिया है और ड्रोन को मार गिराया है। जी ईशा, देखिए जिस तरीके से बीएसएफ के जवानों के हौसले बुलंद हैं और उनके हौसलों के आगे, उनकी ताकत के आगे हमेशा पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। और इसी तरह से देखा भी गया, जब जब ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया तब तब बीएसएफ के जवानों ने इसको ध्वस्त किया है, तो पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो बीएसएफ है उनकी तरफ से ये जरूर कहा जाता है हमेशा कि जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है या देश विरोधी ताकतें हैं लगातार इस गतिविधियों में जुटी हुई हैं किस तरीके से देश का माहौल खराब किया जाए। लेकिन बीएसएफ जिस तरीके से आतंकी संगठन है वो नई नई टेक्निक का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उनका कहना है बीएसएफ का कि बीएसएफ को भी इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस तरीके से जो हाई टेक्निक ड्रोन के जरिए अवैध हथियार या ड्रग्स की तस्करी की जा रही है उसे किस तरीके से ध्वस्त किया जाए। तो ऐसे में ड्रोन की एक तरफ गतिविधि बॉर्डर इलाके में, चाहे आप अमृतसर की बात करें क्योंकि पिछले 5 दिनों में जो घटनाएं लगातार घटित हो जा रही हैं वो अमृतसर के अलग अलग गांव में हुई है। इसके अलावा अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, ये तमाम वो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो पाकिस्तान के साथ। और यही वजह है कि इन एरिया में जो ड्रोन के जरिए अवैध हथियार और ड्रग्स की गतिविधि है वो तेज हुई है। लेकिन इन सब के बीच बीएसएफ की तरफ से भी हर वो संभव कोशिश की जाती है कि विरोधियों को किस तरीके से जवाब दिया जाए। और खासकर जो आतंकी संगठन है, जो दुश्मन देश है, वो इस फिराक में जुटा हुआ है किस तरीके से शांति को भंग किया जाए, लेकिन बीएसएफ की तरफ से हर बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ईशा, जैसा कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर ले तो वहां पर इस समय सुरक्षा कड़ी है क्योंकि G20 का सम्मेलन चल रहा है और लगातार 24 तारीख तक ही चलने वाला है। सुरक्षा कड़ी है, चप्पे चप्पे पर तैनाती वहां पर है, बीएसएफ के जवान वहां पर हैं और कमांडोज वहां पर तैनात किए गए हैं, और तो इस सब के चलते वहां पर सुरक्षा बहुत ज्यादा है, सुरक्षा कड़ी है सम्मेलन के चलते है। तो क्या उससे इसको जोड़कर देखा जा सकता है पाकिस्तान वहां पर साजिशें नहीं कर सकता सुरक्षा के चलते, तो पाकिस्तान की तरफ से तो पंजाब की तरफ से कोशिशें की जा रही है? अब देखिए ये हमेशा ही काजल रहा है कि जो अवैध हथियार भी आतंकी संगठन, चाहे आप जो एक्टिव है जम्मू कश्मीर में उनके पास जो अवैध हथियार भी बरामदगी होती है वो कहीं ना कहीं पंजाब के जरिए जम्मू कश्मीर भेजे जाते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी लगातार ड्रोन के जरिए गतिविधि की जाती है, लेकिन ये जरूर है कि G20 सम्मेलन वहां पर चल रहा है, लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरीके से घाटी में शांतिपूर्ण माहौल रहा है लेकिन कुछ आतंकी घटनाएं देखने को भी मिली है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पहले टारगेट जम्मू कश्मीर रहता था आतंकी संगठनों का, लेकिन अब पूरी तरीके से नजर है पंजाब में कि किस तरीके से खालिस्तानी एक्टिविटीज को तेज किया जाए, किस तरीके से युवाओं को भड़काया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें क्योंकि वहां पर तो आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं और अवैध हथियारों की तस्करी भी अगर जम्मू कश्मीर से नहीं हो पाती है तो पंजाब के जरिए वहां पर जो आतंकी संगठन है या उनसे जुड़े लोग हैं उन्हें यहां से सप्लाई किया जाता है। और यही वजह है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिल्कुल लगती है पाकिस्तान से पंजाब की, और यही कारण है कि पंजाब के जरिए ये घुसपैठ करने की हमेशा ही आतंकवादी इस फिराक में रहते हैं किस तरीके से पंजाब के जरिए चाहे देश में या विदेशों में अवैध हथियार और ड्रग्स की तस्करी की जाए। और ड्रग्स की जो पैसे भी बरामद होते हैं क्योंकि ड्रग्स की अगर कीमत की बात करें अंतर्राष्ट्रीय कीमत करोड़ों में है, और उस ड्रग्स से जो पैसे भी बरामद होते हैं उससे अवैध हथियार खरीदे जाते हैं और आतंकी हमले जैसे साजिशों को अंजाम यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है वो चौकसी बरताए हुए हैं। जहां तक G20 सम्मेलन जम्मू कश्मीर की बात करें वहां पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। और गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर जैसे घाटी इलाके में जो कि आतंकी से घटनाओं से ग्रस्त रहता था वहां पर इस तरीके का सम्मेलन शांतिपूर्ण होना अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। जी शुक्रिया ईशा इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से ड्रोन को ध्वस्त किया गया है मादक